दोस्तों आज की वीडियो एक ऐसे शहर के बारे में है जो कभी भारत की राजधानी हुआ करता था और अमीरी और गरीबी के कई धड़ों में बटा हुआ है। एक और इस शहर में करोड़पति रहते हैं, दूसरी तरफ इतने ही गरीब लोग जहां की लड़कियां 150 रुपए में अपना जिस्म बेचने को मजबूर होती हैं। ये सोनागाछी है, लोगों की भाषा में रेड लाइट एरिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साहिर लुधियानवी की कुछ लाइनें सुनाना चाहूंगा कि ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ से रेशम ओढ़े एक तरफ से नंगी है। एक तरफ अंधी है दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोनागाछी एक तरफ चौरंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। दोस्तों ये लाइन इस इलाके के लिए इसलिए लिखी गई क्योंकि यही इस इलाके का सच है। 1880 के दशक में किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक किताब लिखी वैश्यलीला, जो कोलकाता के इसी सोनागाछी के लिए लिखी गई है। सोनागाछी में ये देह व्यापार आज से 150 साल पहले से चल रहा है। इतने लंबे समय तक ये ऐसे ही बढ़ता रहा और आज एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में मौजूद सोनागाछी में एक अनुमान के मुताबिक करीब 14,000 वेश्याएं अपना शरीर बेचती हैं। कई मंजिला सैकड़ों इमारतों में यहाँ जवान लड़कियों की बोलियां लगाई जाती हैं। इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां इस व्यापार में शामिल हैं। और सोनागाछी अकेला नहीं है, कोलकाता के कई छोटे छोटे इलाकों जैसे कालीघाट, बो बाजार, गढ़िया जैसे इलाकों में भी ऐसा ही होता है। पूरे कोलकाता में अनुमानित 50,000 वेश्याएं काम करती हैं। दुनिया में बहुत सारे देशों में देह व्यापार को कानूनी मान्यता मिली हुई है, वही कई देश इसे गैर कानूनी मानते हैं। भारत में भी वेश्यावृत्ति को अवैध माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद देश के कई इलाकों में यह काम जोरों शोरों पर हो रहा था। पहले के समय में इन जगहों पर केवल नाच गाना हुआ करता था, जिसे कला की दृष्टि से देखा जाता था। पर समय बीता और कला की जगह अभिशाप ने ले ली। कमरों में मेकअप करती लड़कियां, गलियों में खेलते हुए बच्चे और कमरों में इंतजार करती औरतें सोनागाछी की गलियों की आम बात है। यहाँ कई मंजिलों में वेश्यालय चलते हैं, ऐसा लगता है जैसे औरतों की सोसाइटी हो और यहाँ पुरुष रहते ही नहीं है। इस स्लम में किसी बाहरी व्यक्ति का आना बिल्कुल मना है, यहाँ तक कि पत्रकारों और फोटोग्राफरों को भी ये लोग अंदर नहीं आने देते। अगर किसी को अंदर आना होता है तो उन्हें इन वेश्यालयों के मालिक से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और उनकी अनुमति के बाद ही और शर्तों पर ही लोग यहाँ अंदर जा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस।